जयपुर के गोविंदपुरी स्टेशन से छत्तीसगढ़ के लिए श्रमिक ट्रेन की रवानगी हुई। इस मौके पर रेलवे डायरेक्टर हिमांशु उपाध्याय ने मॉनिटरिंग कर सभी श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग कराई। श्रमिकों के खाने पीने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए 150 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया, जहां इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर गोयल ने। गोविंदपुरी स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे श्रमिक ट्रेन जो कि छत्तीसगढ़ के लिए आज स्पेशल हिमांशु उपाध्याय जी के डायरेक्टर, जो कानपुर नगर के रेलवे के डायरेक्टर हैं हिमांशु उपाध्याय जी, उनके द्वारा आज कानपुर महानगर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जा रहा है, जिसमें कानपुर नगर से 150 लोग इस ट्रेन में से छत्तीसगढ़ की ओर जाएंगे। वहीं पे कानपुर महानगर में जो सोशल डिस्टेंस का गोविंदपुर स्टेशन में पूर्ण पालन किया गया है, वहीं देखा गया हम लोगों ने कि वहाँ पे जीआरपी, आरपीएफ और पीएसी की जो गोरखपुर से 26 बटालियन की टीम आई है और वो लगातार यहाँ पे मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। वहीं पे कानपुर महानगर में जो भी श्रमिक हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ कराई गई हैं, उनको थर्मो स्कैनिंग से उनका टेस्ट हुआ, फिर उनको बकायदे पानी खाने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई और उनको ट्रेन में बैठाया गया। ये ट्रेन 7 बजे रवाना होनी थी, अभी श्रमिकों को मतलब इसमें नहीं आ पाए हैं, अभी काफी लोगों को आना है, इसलिए इसका टाइम बढ़ाकर 9 बजे कर दिया गया। और हमारे कानपुर महानगर में जो ये गोविंदपुरी स्टेशन है उसको पूरा ही सैनिटाइज किया गया है और सारी सोशल डिस्टेंस के लिए सर्किल गोले बनाए गए हैं। बहुत सारे कार्यों के साथ इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। कानपुर महानगर से समीर गोयल।